नमस्कार, सतना स्टार न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजलि। यूं तो पुलिस प्रशासन की कमियां सुन सुन के लोग परेशान हो चुके, लेकिन आज सतना पुलिस ने एक सराहनीय कार्य किया, जिसके लिए सतना पुलिस बधाई की पात्र है। जानकारी के मुताबिक अगवा मासूम को 5 घंटे के अंदर खोज लाई पुलिस। एक संदेही हिरासत में सतना सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के डायवर्सन रोड में अगवा किए गए 2.5 साल के बालक को 5 घंटे के अंदर मुक्त कराने के साथ पुलिस ने एक संदेही को भी हिरासत में लिया, जिससे पूछताछ की जा रही है। थाना प्रभारी भूपेंद्र मणि पांडे ने बताया कि नगर निगम कार्यालय के सामने वाली गली में रहने वाला 2.5 साल का बच्चा बुधवार दोपहर को तकरीबन 3:30 बजे गायब हो गया था, जिसके परिजनों की सूचना मिलने पर अपराध दर्ज कर तलाश शुरू की गई। ई रिक्शा में बच्चे को ले जाते देखा युवक। पुलिस की अलग अलग टीमों ने स्मार्ट सिटी कंट्रोल रूम पहुंचकर घटना स्थल से लेकर शहर के हर हिस्से में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले तो लापता बालक एक व्यक्ति के साथ गायत्री मंदिर के सामने से ई रिक्शा में बैठकर जाते दिखाई दिया। उक्त रिक्शा सर्किट हाउस से रीवा रोड होते हुए कृष्णनगर के रास्ते लखन चौक टिकुरिया टोला की तरफ गया था, लेकिन टिकुरिया टोला के पास लगे कैमरे में जब ई रिक्शा को देखा गया तो उसमें बालक और संदिग्ध व्यक्ति नहीं थे। ऐसे में रिक्शा चालक को पता लगाकर पूछताछ की गई। उसने चौराहे के पास दोनों को उतार देने की जानकारी दी। लिहाजा कोतवाली और कोलगामा पुलिस की दर्जन भर टीमें आसपास के इलाके में सघन तलाशी में जुट गई। पुलिस की सक्रियता देखकर संदिग्ध व्यक्ति घबरा गया और बच्चे को लेकर वापस उसके घर के पास छोड़ दिया। इसी दौरान वह पुलिस टीम के हत्थे चढ़ गया। पूछताछ में युवक ने अपना नाम दीपक पाठक बताया। मूलतः यूपी का रहने वाला युवक है। यहां आदर्श नगर में पत्नी के साथ रहता है। पुलिस ने पूछताछ के लिए उसकी पत्नी को भी कोतवाली बुलाया है। हालांकि संदेही ने बच्चे को ले जाने की वजह नहीं बताई है।